जैसे आपके पास सपोज एक रॉड है, रॉड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, रॉड वी वेलोसिटी से राइट मूव कर रही है। मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है, लेट अस सपोज, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो रूल क्या बताया था, अगर इसकी लेंथ एल है और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो अगर कोई रॉड को वी परपेंडिकुलर टू द रॉड है और उसको मूव करवाया जा रहा है, तो ईएमएफ की वैल्यू पी और क्यू के बीच में क्या बनेगी, बी एल वी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या बनेगी, बी एल वी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ईएमएफ, और इस ईएमएफ का नाम क्या होता है, मोशनल ईएमएफ। ये हमने लास्ट टाइम किया था और हमने काफ़ी लंबे तरीके से किया था कि इलेक्ट्रॉन की मोशन देखते हुए कि इसमें कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, बट ये रिजल्ट याद हो गया सबको। दूसरा, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो बी बोर्ड के अंदर है, थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ कंडक्टर जो कि राइट है, तो सेंट्रल फिंगर कहाँ होगी, ऊपर होगी, तो बी बोर्ड के अंदर है, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, करंट ऊपर है, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सा करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्लियर है? अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ये रूल है। तो इंड्यूस करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये भी क्लियर है? नेक्स्ट रूल, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है, बी एल वी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बी एल वी। इसी को क्या बोलते हैं, ई एम एफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ये हमने लास्ट टाइम किया। हमने इस रिजल्ट को करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मोशंस को देखा, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को फोर्स एक्सपीरियंस हुई जिस वजह से वो ऊपर नीचे गए और इंड्यूस करंट पैदा हुआ और इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई। अब इसी, और मैंने इसका फिर शॉर्टकट बताया कि कैसे करना है, इसी रिजल्ट को, मोशनल ईएमएफ को एक बार फिर से करते हैं, लेकिन पिछली बार तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से किया था, इस बार फेराडेज लॉ से करते हैं। फेराडे कहता है कि आपको इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। फेराडे के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं, मान लो ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को आपने मूव करवाया विद द वेलोसिटी ऑफ वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो डी टी टाइम में ये रॉड यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी इंटू डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोर्ड के इनसाइड है। तो अगर आप इमेजिन करें कि इस रूम में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ पर है, बोर्ड के इनसाइड है, राइट? और मैं इस रॉड को यहाँ मूव करवा रहा हूँ, क्लियर है? मैं इस रॉड को यहाँ पर मूव करवा रहा हूँ। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि लाइंस यहाँ पर लाइंस ही लाइंस हैं बोर्ड के अंदर, और मैं इस रॉड को यहाँ मूव करवा रहा हूँ, तो ये रॉड इन लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करती हुई जाएंगी। ये कट करने का अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचें, यहां पर धागे हैं, थ्रेड्स, ये थ्रेड्स ही थ्रेड्स हैं यहां पर, ऐसे लेके आ रहा हूं बोर्ड के अंदर, ठीक है? और ये थ्रेड्स नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, थ्रेड्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड के अंदर, थ्रेड्स ही थ्रेड जा रहे हैं। सोचो अगर मैं रॉड को इनके परपेंडिकुलर लेके जा रहा हूं तो थ्रेड्स कट होते जाएंगे, परपेंडिकुलर ना, कट होते जाएंगे, तो थ्रेड्स नाम की कोई चीज तो है नहीं बेसिकली, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो इमेजिन करो कि ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करती हुई जाएगी, और फैराडे ये बोलता है कि जब जब फ्लक्स कट होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होंगी, तो ईएमएफ पक्का जनरेट होगी। आप कहोगे कट कब नहीं होगी, वो तो हमेशा कट होगी, जब आप रॉड को मूव करवाएंगे तो लाइन तो कट होंगी होंगी, नहीं होंगी। अगर मैं इस थिन रॉड को ऐसे मूव करवाने की बजाय ऐसे घुसा दूं बोर्ड के अंदर, देखो दो लाइंस के बीच में थ्रेड के साथ साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ साथ ये रॉड चल रही है, एक भी लाइन को कट नहीं करेगी, तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ तभी जनरेट होगी जब फ्लक्स की क्या होगी, फ्लक्स कट करता हुआ जाएगा।
चाहे वो किसी भी एंगल पे कट करे कोई चक्कर नहीं, पर अगर कट ना हुआ ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर तो कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर कट करता हुआ जा रहा है, ईएमएफ जनरेट होगी। तो फेराडे बोलता है कि इसमें एरिया कवर्ड कितना है यहाँ पर डीटी टाइम में, एरिया क्या है, दिस इंटू दिस एरिया आ गया। तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया। तो एरिया क्या है इसमें, वी डी वी और डी टी को किससे मल्टीप्लाई किया, एल से, क्या आ गया डी फाई। और ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। तो इसको अगर डी टी से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी टी डी टी कैंसिल, तो क्या आएगा बी एल वी। तो ये भी सही तरीका है। आप फेराडे ने कोई इलेक्ट्रॉन की मोशन ली नहीं, वो कहते हैं भाई डी फाई बाय डी टी लगा लो, डी फाई का मतलब बी इंटू एरिया, एरिया क्या लेना है जो कट करता हुआ जा रहा है रॉड, तो जो रॉड कट करती हुई जा रही है वो एरिया कंसिडर कर लो और बी से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स आ गया, डी टी से डिवाइड कर दो, ई एम एफ आ गई। तो फेराडे ने हमें शॉर्टकट बताया कि इलेक्ट्रॉन मोशन मैग्नेटिक इफेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लगाओ इसमें डी फाई बाई डी टी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मोशनल ई एम एफ का ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। ऑनलाइन वालों को क्लियर है।